हेलो दोस्तों, बेंगलोर अच्छी गई। आई होप आप लोगों का भी अच्छा गया हो। मतलब अच्छे रेसे हुए हैं और अच्छे भाव में घोड़े जीते हैं, तो आई होप आपका दिन अच्छा गया हो। बस एक रेस चीटिंग हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा वो घोड़ा जो हारा। एहेड ऑफ माई टाइम हैंडी गेम में बेटर था नॉर्दर्न लाइट से, लेकिन नॉर्दर्न लाइट जीता और जूलियट भी जीता। आई होप आप लोगों ने खेला हो। मैंने नहीं खेला क्योंकि मेरा पहले ही काम हो गया था, तो मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने बस वहाँ पर 2000 मीरा खेला था। मुझे लगा था प्लेस आ जाना चाहिए, लेकिन आया नहीं, क्योंकि मैं भी श्योरिटी था कि यार नहीं बनता। क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है कि जब भी डर्बी दौड़ कर कोई डर्बी जीत कर कोई आता है ना इन्विटेशन कप में, मैक्सिमम टाइम प्लेस आउट होता है। आप चाहे स्टार सुपीरियर देख लो, चाहे जुकेरेली देख लो, चाहे मीरा देख लो, तो इतना कनेक्शन पता है कि कहाँ पर क्या होता है। और ऑल अट्रैक्टिव जीता, नॉटी चार्मर जीता, अच्छा रेस लगा, प्रॉफिट हुआ। अच्छा लगा कि इनविटेशन कप अपना अच्छा गया। पहला दिन थोड़ा डिसअपॉइंट था, लेकिन सेकंड दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ। आई होप आप लोगों का भी हुआ हो, तो ऐसे ही अच्छा प्रॉफिट होता रहे। तो कल डेली है, 7 मार्च 2023, डेली की रेस है, टोटल 7 रेसेस हैं। थोड़ा संभल के खेलना, मतलब दिल्ली दिल्ली है भाई, कुछ भी होता है इधर, तो थोड़ा देख कर। ओके, तो बात करते हैं। फर्स्ट रेस द प्रेम कुंज प्लेट, 1200 मीटर की रेस है, मेडन हॉर्सेस, 3 ईयर ओल्ड ओनली। 2 बजे ये रेस है। यहाँ पर 4 घोड़े हैं, 1-2 की बैठ है। यहाँ पर 2 घोड़े में रेस है। हॉर्स नंबर 2 पार्टी ड्रीम, जो कि रंजीत सिंह, और दूसरा घोड़ा है हॉर्स नंबर 3 द रेंजर बॉय, जो कि अफजल खान। लास्ट टाइम मैंने एक घोड़ा दिया था रॉकेट पांडे, वो घोड़ा जीता था। 2 नंबर उसी के साथ भाग कर थर्ड हुआ है। अभी ट्रैक में 2 नंबर बेटर दिखा रहा है, देखते हैं क्या भाव होता है, क्या चलाते हैं। लेकिन अगर आप 2 नंबर खेल रहे हैं और 3 नंबर का भाव मिले, तो 3 नंबर को थोड़ा सा दिखाना, क्योंकि फर्स्ट टर्न अच्छा जा रहा है, ट्रैक अच्छा जा रहा है, अपसेट कर सकता है घोड़ा। तो 2 और 3 के बीच में ही रेस होना चाहिए, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स नंबर 2 पार्टी ड्रीम्स, जो कि रंजीत सिंह, फॉर उन प्लेस। अगर प्लेस मिले तो प्लेस खेलना, गुड घोड़ा 1-2 में बिल्कुल होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड रेस, आफ्टरनून डिलाइट प्लेट, 1600 मीटर की रेस है, क्लास 3 की, और सेटेड 40-66, लोअर क्लास एलिजिबल, 230 को ही रेस है। यहाँ पर 8 घोड़े हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 2 जेट सुखोई, जो कि खेत सिंह, और इन प्लेस जितना चाहिए, देखिए भाव क्या होता है। और दूसरा घोड़ा जो पसंद है, मैं 2 घोड़े नहीं देता, 2 नंबर के वो इन प्लेस के लिए, बस 3 नंबर पसंद है प्लेस में, देखिए आप इसको। अब बात करते हैं थर्ड रेस, द जेरवा प्लेट, 1200 मीटर की रेस है, क्लास 3 की, हॉर्स रेट है 40-66, लोअर क्लास एलिजिबल, 3 बजे ये रेस है। यहाँ पर 14 हॉर्सेस हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 13 बोनीता, जो कि हिंदू सिंह, फॉर विन प्लेस। प्लेस मिले तो प्लेस के लिए, अच्छा घोड़ा है, 1-2-3 से तो आउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, द नॉर्थन ट्रोइका प्लेट, डिवीजन 1, क्लास 4 की रेस है, हॉर्स रेटेड 20-46, लोअर क्लास एलिजिबल, 1100 मीटर की रेस है, 330 को। यहाँ पर 13 हॉर्सेस हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 7 फ्लावर पावर, जो कि हिंदू सिंह, फॉर प्लेस। देखिए हिंदू सिंह कल अच्छे घोड़ों पर बैठा है, प्लेस तो बनता है इसका, अगर प्लेस मिले तो प्लेस खेलना, और हिंदू सिंह पर नज़र रखना, सारे अच्छे घोड़ों पर बैठा है, 1-2 इन तो मारेगा मारेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, तो नॉर्थन ट्रोइका प्लेट डिवीजन 2, 1100 मीटर की रेस है, क्लास 4 की, हॉर्स रेटेड 20-46, लोअर क्लास एलिजिबल, 4 बजे ये रेस है। यहाँ पर 12 घोड़े हैं, 12 हॉर्सेस। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 7-10 क्रेशिडा, जो कि ईश्वर सिंह, फॉर विन प्लेस। घोड़े जितने भी घोड़े ना हैंडीकेप में सब आ रहे हैं, चीटिंग हो जाए तो अलग बात है। जैसे कल बेंगलोर में चीटिंग हुई कि एहेड ऑफ माई टाइम आउट हुआ, अब देख रहे होंगे तो हैंडीकैप में एहेड ऑफ माई टाइम बेटर था नॉर्दर्न लाइट से,
नॉर्दर्न लाइट जीता और एडमंटन थर्ड हुआ, लेकिन पिछला रेस अगर देखें ऑल अट्रैक्टिव हैंडीकैप में बेटर था इंपीरियल ब्लू से और ऑल अट्रैक्टिव जीता। तो ये सब हैंडीकैप रेस होती हैं तो समझ में आती है, चीटिंग हो जाएगी तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 10 क्रेशिडा जो कि ईश्वर सिंह फॉर इन प्लेस, प्लेस मिले तो प्लेस पर फोकस कीजिए। अब बात करते हैं सिक्स्थ रेस, तो हॉर्स रेसिंग एब्रॉड प्लेट डिवीजन 1 क्लास 5 की रेस है। हॉर्स रेटेड 4 to 30, 1000 मीटर की रेस है 4:30 को। यहाँ पर 13 हॉर्सेस हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 3 वीरांगना जो कि ललकार सिंह फॉर इन प्लेस। घोड़े का ड्रॉ मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन घोड़ा अच्छा है, 4 नंबर के साथ ही भागा हुआ है असफलिष्टा, और 4 नंबर ने बीट किया है 5 लेंथों से, लेकिन इनका कल हैंडीकैप में 3 नंबर बेटर है, लेकिन ड्रॉ का थोड़ा सा इशू लग रहा है, बहुत आउटसाइड ड्रॉ है, तो देखते हैं कैसे बैलेंस करता है, लेकिन हैंडीकैप में 4 से बेटर है, तो प्लेस मिले तो प्लेस के लिए। अब बात करते हैं सेवेंथ रेस लास्ट रेस, द हॉर्स रेसिंग एब्रॉड प्लेट डिवीजन 2 1000 मीटर की रेस है क्लास 5 की। हॉर्स रेटेड 4 to 30, 5 बजे ये रेस है। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 1 कमांड पोस्ट जो कि पी किरण राय फॉर इन प्लेस। पहली चीज़ आपको बता देता हूँ कि मल्लिकार्जुन जो ट्रेनर है ये फेवरेट नहीं लेता, फेवरेट में खुलता है तो इसको इग्नोर कीजिए। अगर 3-4 रुपये खुलता है तो आप इसको इचुए के लिए इन प्लेस के लिए। और दूसरा घोड़ा नज़र रखिए हॉर्स नंबर 9 द बैटल क्वीन जो कि HM अक्षय फॉर प्लेस। इस पर नज़र रखिए, अगर 1 नंबर फेवरेट खुलता है तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि बहुत बार देखा हुआ है कि यार नहीं जाता, मतलब मल्लिकार्जुन का जो घोड़ा होता है वो प्लेस में भी नहीं आता, मतलब फेवरेट होता है तो देखकर यहाँ पर अगर 1 नंबर फेवरेट खुलता है तो 9 नंबर की प्लेस के लिए। तो आई होप कल आपका दिन अच्छा जाए। मैं दिल्ली तो बहुत कम खेलता हूँ, देखूँगा अगर अच्छा लगा तो दिल्ली खेलूँगा, नहीं तो मैं दिल्ली को इग्नोर करता हूँ, फिर कोलकाता भी देखते हैं। संभल के खेलिए, ध्यान से खेलिए, जहाँ प्रॉफिट हो जाए बंद कर दीजिए, यहाँ पर ना 3-4 हज़ार रुपये हो जाए ना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये रेस ही ऐसी घटिया रहती है, कुछ भी होता है इधर, तो थोड़ा सा संभल के खेलिए, प्लेस पर फोकस कीजिए, जहाँ पर बन जाए काम बंद कर दीजिए, पैसे जाने से बेटर कुछ आए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं परसों कोलकाता के रेस में। गुड नाइट, गुड बाय।